आज की बात स्वागत। आज की बात में प्रवेश करते हैं कुछ कविताओं की पंक्ति के साथ। पंक्तियां यूं हैं कि मौत की परछाइयां पड़ती रही मेरी नींद पर, और जब भी मैंने प्यार किया पूरी तटस्थता से किया, और जब भी मैंने इस प्रकृति की ओर देखा तो पूरी अधीरता से देखा। दरअसल ये पंक्तियां हैं प्रसिद्ध जर्मन नाटककार बर्टोल्ड ब्रेख्त की। बर्टोल्ड ब्रेख्त अपने वक्त के एक ऐसे नाटककार, एक ऐसे लेखक, एक ऐसे कवि और एक ऐसे ड्रामेटिस्ट जिन्होंने ड्रामा के फॉर्म को एक नया आयाम दिया। उन्होंने ये बताया कि ड्रामा ये भ्रम की अवस्था से बाहर निकल जाना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि उसमें मनोरंजन ना हो, उन्होंने ये नहीं कहा कि उसमें कला ना हो, उसमें कला भी हो, उसमें मनोरंजन भी हो, लेकिन वो कलाकृति अपने दर्शकों से बात कर सके, अपने दर्शकों को ये बता सके कि आप जो देख रहे हो वो नाटक है, और फिर इस नाटक में जो है वो सच भी है, लेकिन इस सच को वास्तविकता से जोड़कर वास्तविक जीवन में जीवन को बदलने के लिए दर्शक स्वयं कृतिशील हो जाए। और इस सोच के साथ उन्होंने जिस नाटक के फॉर्म को विकसित किया उसे कहते हैं एपिक थिएटर। और इस एपिक थिएटर को लगभग संसार के सभी फाइन आर्ट्स के डिपार्टमेंट्स में और फाइन आर्ट्स में इसको सिखाया जाता है, इसको समझा जाता है, इस पर स्टडी की जाती है। बर्टोल्ड ब्रेख्त शायद ऐसे एक कवि है कि जिनकी कविताएं, जिनकी रचनाएं संसार की सारी भाषाओं में अनुवादित हुई हैं, और वे अपनी कलाकृति के प्रति बड़े ही सहज हैं। दरअसल 10 फरवरी 1898 में जन्म हुआ था बर्टोल्ड ब्रेख्त का, जर्मनी के बावेरिया प्रांत के ऑक्सबर्ग कस्बे में, और वहां से ये जीवन चला। उन्होंने म्यूनिख में, म्यूनिख यूनिवर्सिटी जो है यहाँ मेडिकल साइंस की पढ़ाई की, और मेडिकल साइंस की पढ़ाई करने के बाद उनका शायद अंतिम वर्ष था ये, तब पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया था। और पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो फाइनल ईयर में पढ़ने वाले इन सारे छात्रों को भी सेना में भर्ती के आदेश मिले, और ये सेना में इनको भर्ती होना पड़ा। जाहिर सी बात थी कि मेडिकल के विंग से आते थे तो सेना के स्वास्थ्य वाला जो कोर है, आरोग्य वाला जो कोर है, जहां मेडिकल कोर जिसको कहते हैं, उसमें उनको नियुक्ति मिली। और युद्ध की विभीषिका और डॉक्टर की जो उसके साथ जुड़ाव होता है पेशेंटों के साथ, और पेशेंट्स के साथ उनकी जो जूझना होता है, इसी में बर्टोल्ड ब्रेख्त का कैरेक्टर बनता गया, और वो कैरेक्टर आज हम सबके सामने है। वही उनके कविताओं की रचना होती है, वही उनके नाटकों की निर्मिति भी होती है, छोटी छोटी कविताएं भी उन्होंने लिखी हैं। दरअसल जब कभी भी इस दुनिया पर द्वंद्व के, संघर्ष के, युद्ध के बादल मंडराने लगते हैं, तो यकीन मानिएगा कि बर्टोल्ड ब्रेख्त याद आ जाते हैं। बर्टोल्ड ब्रेख्त अपनी इस पूरी स्टाइल पर, जो उन्होंने ड्रामा को नई स्टाइल दी, उस पर वे कहते हैं, उन्हीं की बात उनकी कविताओं में आती है, और कविताओं से वो इस बात को कहते हैं कि तुम जो कलाकार हो और प्रशंसा या निंदा के लिए हाजिर होते हो दर्शकों के निर्णय के लिए, तो भविष्य में हाजिर करो वो दुनिया भी। देखिएगा बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं वे, कि भविष्य में हाजिर करो वो दुनिया भी दर्शकों के निर्णय के लिए जिसे तुमने अपनी कृतियों में चित्रित किया है। फिर और भी स्पष्टता के साथ वे आगे बढ़ते हैं, वे कहते हैं कि जो कुछ है वो तुम्हें दिखाई देना ही चाहिए, लेकिन ये दिखाते हुए तुम्हें ये भी संकेत देना चाहिए कि क्या हो सकता था और क्या नहीं है। बड़ी क्लियरिटी के साथ वे अपनी संकल्पना में आगे बढ़ते हैं। फिर वे आगे कहते हैं कि इस तरह तुम मददगार साबित हो सकते हो, क्योंकि तुम्हारे चित्रण से दर्शकों को सीखना चाहिए।
तुमने जो कोई कलाकृति बनाई है उससे दर्शकों को सीखना चाहिए कि जो कुछ चित्रित किया गया है उससे वे कैसा रिश्ता कायम करें। फिर वे उसके आगे कहते हैं कि यह शिक्षा मनोरंजक होनी चाहिए, शिक्षा कला की तरह दी जानी चाहिए और तुम्हें कला की तरह सीखना भी चाहिए कि चीजों और लोगों के साथ कैसा रिश्ता कायम किया जाए। कला भी मनोरंजक होनी चाहिए। उनकी एक बड़ी कविता का यह अंश है जिसको निर्णय के बारे में इस शीर्षक के साथ यह आता है और इसे हिंदी भाषा में अनुवादित किया है निलाभ ने। इसे हमने कविता कोश से साभार प्राप्त किया है। निलाभ के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं, कविता कोश के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। और बर्टोल्ड ब्रेख्ट जो अपनी बात को कविता के जरिए समझा रहे हैं उस बात को आप तक पहुंचाते हैं। ब्रेख्ट ने उनका पहला नाटक लिखा था 1918 में। ये एक ऐसा नाटक था जिसमें एक युवा की, जो युवा कवि की उदात्त भावनाएं जो होती हैं उन भावनाओं का वो एक नाट्य चित्रण था। लेकिन उनके नाटकों में अधिकतर जो बातें आई हैं उसमें ये नहीं रहा कि जैसे सामान्य रूप से ये कहा जाता है कि भाई कोई सेटिंग होना चाहिए, जिस तरह का प्रसंग है वैसा एक नेपथ्य भी गढ़ा जाना चाहिए। ब्रेख्ट ने इस बात को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी और उन्होंने इस बात पर तवज्जो दी कि नरेशन कैसा होना चाहिए। अब देखिएगा कि वे अपने नरेशन को आगे बढ़ाते हैं और वे इस बात को बताते हैं कि उनका एक भावी पीढ़ियों के नाम इस शीर्षक के साथ उनका एक दीर्घ काव्य है और उसका एक छोटा सा अंश आपको बताते हैं। दरअसल इसे भी हमने कविता कोश से साभार प्राप्त किया है और इसे राजेश चंद्र ने अनुवादित किया है। देखिए उसका छोटा सा अंश आपको सुना रहे हैं कि सचमुच कितना अंधेरा समय है। ब्रेख्ट कहते हैं कि सचमुच ये कितना अंधेरा समय है जिसमें मैं जी रहा हूं। निष्कपटता अब एक अर्थहीन शब्द है, एक सौम्य माथा परिचायक है हृदय की कठोरता का। एक सौम्य माथा परिचायक है हृदय की कठोरता का। वह जो हंस पा रहा है तय है कि उसने नहीं सुनी है अब भी दिल दहला देने वाली खबरें। तो ये ब्रेख्ट का अपना स्टाइल है। वे आगे कहते हैं कि आह ये कैसा समय है जब पेड़ों के बारे में बतियाना भी अक्सर एक जुर्म माना जाता है, जबकि ये अन्याय के खिलाफ चुप रहने से कम नहीं। फिर वे कहते हैं कि और वो जो निकल पड़ता है टहलने चुपचाप सड़कों पर, क्या वो चला नहीं गया है अपने दोस्तों की पहुंच से दूर। बर्टोल्ड ब्रेख्ट का बड़ा ही गंभीर सवाल है उन खाली सुनसान सड़कों पर जहां एक अकेला आदमी निकल पड़ा है और उसकी अपनी जो चुनौतियां हैं जिन चुनौतियों से वो लड़ नहीं पा रहा है। तो ब्रेख्ट अपनी बात को इस तरह से व्यक्त करते हैं। अक्सर छोटे छोटे डायलॉग तो उनके रहे हैं लेकिन बड़े मार्मिक डायलॉग उन्होंने लिखे हैं। एक बात और रही है बर्टोल्ड ब्रेख्ट की कविता में। बर्टोल्ड ब्रेख्ट, उनका एक नाटक है द गुड वुमेन ऑफ सिजवान। तो इस नाटक से एक छोटा सा जो काव्यांश है वो आपके पास पहुंचाते हैं। दरअसल ये उन्होंने लिखा है काबिलियत पर, यानी कि जहां आरक्षण की व्यवस्था बनती है जिसे लोग अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, बर्टोल्ड ब्रेख्ट इस बात पर लिखते हैं और वे कहते हैं कि हमारे मुल्क में एक काबिल आदमी मोहताज होता है किस्मत का। हमारे मुल्क में एक काबिल आदमी मोहताज होता है किस्मत का, जब तक मिल न जाए उसे कोई मजबूत सरपरस्त। मुश्किल ही है कि साबित कर पाए वो काबिलियत अपनी। जब तक कोई सरपरस्ती ना हो
वो अपनी काबिलियत सिद्ध नहीं कर पाता, तो काबिल आदमी की स्थिति जो है वो ये बन जाती है, और इसलिए आरक्षित और आरक्षण इन चीज़ों पर वे अपना कटाक्ष अपनी रचनाओं के जरिए करते हैं। चलते चलते बर्टोल्ड ब्रेख्त की एक बात जो आप तक पहुंचानी चाहिए उसे पहुंचाते हैं। दरअसल बर्टोल्ड ब्रेख्त ने डॉक्टर के नाम मजदूरों का खत इस शीर्षक के साथ अपनी एक रचना लिखी है, और इस रचना का छोटा सा अंश आपको सुनाएंगे। मजदूर लिख रहा है डॉक्टर के नाम अपना खत, लिखता है कि हमें मालूम है अपनी बीमारी का कारण, हमें मालूम है अपनी बीमारी का कारण, वह एक छोटा सा शब्द है जिसे सब जानते हैं लेकिन कहता कोई नहीं। फिर वो आगे कहता है कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो बताया जाता है कि सिर्फ तुम ही यानी कि डॉक्टर हमें बचा सकते हैं। क्या सचमुच तुम हमें स्वस्थ कर सकते हो? खत लिख रहा है मजदूर, तुम कान लगाकर सुनते हो हमारे जिस्मों की आवाज, तुम कान लगाकर सुनते हो हमारे जिस्मों की आवाज, खोजते हो कारण शरीर के भीतर, पर अगर एक नजर शरीर के चिथड़ों पर डालो, जो कपड़े हमने पहने हैं, ये जो शरीर जो गल रहा है, इस पर अगर नजर डालो तो वे शायद तुम्हें बता सकेंगे। इन चिथड़ों पर अगर नजर डालो तो शायद वे बता सकेंगे क्यों घिस पीट जाते हैं हमारे शरीर के कपड़े, क्यों हो जाते हैं ऐसे हमारे कपड़े। बस एक ही कारण है दोनों का, वह एक छोटा सा कारण है, एक छोटा सा शब्द है जिसे सब जानते हैं लेकिन कोई कहता नहीं है, और वो है गरीबी। आज बर्टोल्ड ब्रेख्त के जयंती दिवस पर उनको अभिवादन करते हैं, और आज की बात में यहां रुकते हैं।